आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में सवा महीने बाद फिर से उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 40 लोग संक्रमित मिले, जबकि हरिद्वार में 34, उधमसिंह नगर में 18, नैनीताल में 13, पौड़ी पिथौरागढ़ में 2-2 और अल्मोड़ा जिले में 1 संक्रमित मिला। देश के कई राज्यों में संक्रमण फैलने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमित बढ़ गए हैं। 23 जनवरी 2021 को प्रदेश में 122 कोरोना संक्रमित मिले थे, इसके बाद 17 मार्च को सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। दूसरी लहर को रोकना ही होगा, कोरोना गांव में पहुंचा तो संभालना मुश्किल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर को रोकना बेहद जरूरी है, अगर कोरोना गांव तक पहुंचा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र, पंजाब व मध्य प्रदेश में मामले तेजी से बढ़े हैं, जबकि करीब 70 जिलों में बीते कुछ सप्ताह में संक्रमण 150% तक बढ़ा है। अगर इसे यहीं नहीं रोकेंगे तो राष्ट्रव्यापी प्रकोप की स्थिति बन सकती है, हमें तत्काल और निर्णायक कदम उठाने जरूरी हैं। मिशन मोड में चलाया जाए कोविड टीकाकरण, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड टीकाकरण को मिशन मोड के तहत चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद दिया, हालांकि इस बैठक में उत्तराखंड पर चर्चा नहीं हो सकी। लोक निर्माण विभाग के 2 इंजीनियर निलंबित, लोक निर्माण विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर एई और अजीत सिंह व जूनियर इंजीनियर जेई अनिल कुमार को निलंबित कर दिया। दोनों इंजीनियरों पर सड़क का घटिया निर्माण करने का आरोप है। 24 किलोमीटर उल्टी दौड़ी पूर्णागिरि जनशताब्दी, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से यात्रियों को लेकर टनकपुर आ रही पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक उल्टी दौड़ पड़ी। रेलवे ने आनन फानन अलर्ट जारी कर टनकपुर से खटीमा तक फाटकों को बंद करा दिए। करीब 24 किलोमीटर उल्टी दौड़ी ट्रेन को खटीमा से पहले रोक लिया गया, इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। फाटक न बंद होते तो हो जाता बड़ा हादसा, तो गाय से टकराने के बाद ट्रेन उल्टी होकर चलने लगी, तो लोको पायलट ने सबसे पहले रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों ने ट्रेन रोकने के लिए प्रयास करने के साथ सबसे पहले क्रॉसिंग पर पड़ने वाले फाटक बंद कराए, क्योंकि अगर फाटक खुले होते तो लोगों की आवाजाही हो रही होती, कई लोग ट्रेन की चपेट में आ सकते थे। टनकपुर से खटीमा के बीच 24 किलोमीटर की दूरी में ट्रेन 4 फाटक पार कर 5वें फाटक के पास पहुंचने वाली थी, तभी उसे रोक लिया गया। बुधवार को टनकपुर से जनशताब्दी एक्सप्रेस के वापस लौटने की घटना से टनकपुर से लेकर खटीमा तक अफरा तफरी मच गई। सभी जिला विकास प्राधिकरणों के नक्शे पास करने पर लगाई रोक, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के एक और फैसले को लेकर कुर्सी संभालने से पहले ही दिन शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत एक्शन में नजर आए। उन्होंने सभी जिला विकास प्राधिकरणों पर फैसला होने तक सभी नक्शों को पास करने पर रोक लगा दी। वहीं वर्ष 2016 से पूर्व के जो विकास प्राधिकरण अस्तित्व में थे उनमें नक्शे पास करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अध्यक्षता में होने वाली देवाश्रम बोर्ड और उपनल कर्मचारियों से जुड़े मसलों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों की सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। पहले यह बैठक बुधवार को होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी गई। वहीं इस खबर आई है MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त के ग्रुप कैप्टन की मौत, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर बुधवार को MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त होने से वायुसेना के ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग 1 अप्रैल से संभव, तो चारधाम यात्रा के लिए 1 अप्रैल से हेली सेवा की बुकिंग ऑनलाइन शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है। देहरादून से खबर आई, चोरी की 2 वारदातों का खुलासा, 3 गिरफ्तार। तो थाना बसंत बिहार पुलिस ने शराब के ठेके और प्रोविजन स्टोर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर नकदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने पर युवती गिरफ्तार, तो शहर कोतवाली पुलिस ने किशोर पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में युवती के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि युवती ने झूठे आरोप लगाकर किशोर का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस का दावा है कि यह पहला मामला है जब पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम में ही युवती की गिरफ्तारी की है। युवती को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
दुष्कर्म का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। तो थाना बसंत बिहार पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के आरोप में युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि 10 फरवरी को एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि विकास शर्मा निवासी ग्वालियर हाल निवासी आदर्श मोहल्ला फेज 1 दिल्ली ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना SI शशि पुरोहित को सौंपी थी। विकास पर मारपीट और धमकी देने का आरोप था। वही खबर आई है, सेना के का जवान बताकर करते थे ठगी, 2 गिरफ्तार। और देहरादून से खबर आई है, STF उत्तराखंड और कुमाऊं साइबर पुलिस स्टेशन ने संयुक्त कार्रवाई कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX में वाहन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का दावा, इस साल लागू करेंगे फीस एक्ट। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दावा किया कि प्राइवेट स्कूल में फीस और एडमिशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार इस साल कानून लाएगी। तीनों सरकार के बाद तीरथ सिंह सरकार ने भी शिक्षा विभाग व खेल विभाग का दायित्व संभाल रहे पांडे से कहा कि जल्द ही नई नीति को लागू किया जाए। संक्रमण रोकने को टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट पर फोकस। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में टेस्ट ट्रैक एवं ट्रीट पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर के पास 2 घंटे बंद रहा। तो श्रीनगर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर फरासू के समीप राजमार्ग बुधवार को करीब 2 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा, जिससे श्रीनगर से जाने वाले व रुद्रप्रयाग की ओर से आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अतिथि शिक्षक संघ के डॉक्टर भट्ट अध्यक्ष, तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंशकालीन शिक्षक संघ का अध्यक्ष भूगोल विभाग के कार्यरत डॉक्टर राजेश भट्ट को चुना गया है। इससे पूर्व इस पद पर डॉक्टर अनूप सेमवाल थे। तोता घाटी में वाहनों की आवाजाही बंद। तो तोता घाटी में तीसरे दिन भी रोड कटिंग कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। पौड़ी से खबर आई है, अरहर और पनीर के सैंपल फेल, कार्रवाई की सिफारिश। तो जिले के श्रीनगर शहर में बीते साल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अरहर व पनीर के सैंपलों के फेल होने पर जिला अपीत अधिकारी ने कार्रवाई की संस्तुति करते हुए विभागीय आयुक्त को पत्र भेजा है। उत्तरकाशी से खबर आई, उत्तरकाशी हादसे में चालक की मौत, धरांसू गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल्याणी के पास मंगलवार देर शाम एक टेम्पो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार क्या दूसरी जगह हो सकता है? तो हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा रिवर्स शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर को डी नोटिफाइड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोरोना का टीका लगाने की ज़्यादा फीस लेने पर नोटिस। तो कोरोना वैक्सीनेशन में ज़्यादा फीस लेने पर स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल को नोटिस जारी किया है, साथ ही सभी अस्पतालों को तय शुल्क ही लेने के लिए रिमाइंडर भेजा है। हत्या के पीछे कहीं साइको किलर तो नहीं? तो नुसरत हत्याकांड में शहर कोतवाली पुलिस के हाथ खाली हैं। होटल एम्बेसडर के कमरे की दीवार पर लिखे अक्षरों से पुलिस की जांच की दिशा साइको किलर की ओर बढ़ गई है। यह भी बात सामने आई है कि आरोपी हरिद्वार से बाइक में लिफ्ट लेकर ऋषिकेश तक आया था। 5 दिन हल्की बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग के अनुसार 5 दिन बाद कुछ जगह बारिश में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बुधवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में शाम से हल्की हल्की बारिश गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। कुरान में नुक्ते से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। तो यूपी के सिया बफ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दून में रैली निकाली। मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले निकली तहफूज ए कुरान रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की। दून में सेना के लिए कम कीमत पर बन रहे बेहतर उपकरण। तो रायपुर स्थित आयुध निर्माणी में गुरुवार को आयुध निर्माणी दिवस मनाया गया। इसमें OFD और OLF में बनने वाले प्रमुख उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई।
तीरथ और हरीश दोनों के लिए इम्तहान है सल्ट चुनाव। तो सल्ट के सियासी समर में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन यह चुनाव केवल पार्टियों की जीत हार तय नहीं करेगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस चुनाव के नतीजे से दो बड़े नेताओं के राजनीतिक प्रभाव का आकलन होगा। सल्ट चुनाव की आचार संहिता लागू, तो सल्ट विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्ति तक आचार संहिता लागू रहेगी। 23 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, 17 अप्रैल को मतदान और मतगणना 2 मई को होनी है। उपनल कर्मियों की बर्खास्ती के नोटिस निरस्त, तो उत्तराखंड में आंदोलन की वजह से दफ्तरों में गैर हाजिर उपनल कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। बुधवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आदेश पर उपनल प्रबंधन ने कर्मचारियों को जारी नोटिस निरस्त कर दिया है। गोल्डन कार्ड अब 31 मार्च तक निःशुल्क बनाए जाएंगे, तो उत्तराखंड में केंद्र और राज्य की आयुष्मान योजना के पात्र व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड 31 मार्च तक निःशुल्क बनाए जाएंगे। स्कूल फीस पर 25 तक स्थिति साफ करे सरकार, तो हाईकोर्ट ने बुधवार को कोरोना काल में स्कूल फीस न लेने के खिलाफ दायर निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि बीती 15 जनवरी को सरकार ने शासनादेश जारी कर 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को खोलने का आदेश दिया था। साथ में यह भी कहा था कि विद्यालय प्रबंधक इन विद्यार्थियों से फीस ले सकते हैं। अल्मोड़ा में मोबाइल दुकान के ताले तोड़े, तो अधिकतर शांत रहने वाले अल्मोड़ा शहर में चोरों की सक्रियता से व्यापारी परेशान है। इस बार चोरों ने धारानोला के रामलीला मैदान के पास मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। बदमाश दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल के साथ ही हजारों रुपए की नकदी भी पार कर गए। व्यापारी की तहरीर के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हड़ताल से लौटे बैंक कर्मी, भीड़ उमड़ी, तो बैंक कर्मियों की हड़ताल से वापस लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गर्मियों में आमजन को न हो पानी की किल्लत, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋतु में कम वर्षा होने के कारण ग्रीष्मकाल में आमजन को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ अभी से शुरू की जाएँ। खच्चरों से ऊंचाई वाले गांव में पहुंचाए पानी, तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने निर्देश दिए कि प्रदेश की सड़कों से 200 से 300 मीटर ऊंचाई वाले गांव में इस बार खच्चरों की मदद से पानी पहुंचाया जाए। UPCL में 105 पदों पर भर्ती शुरू, तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में 105 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय ने इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पदों पर भर्ती की जाएगी। बेरोजगार मंच ने जताया विरोध, तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए केवल 72 पदों पर भर्ती निकाले जाने से देवभूमि बेरोजगार मंच ने विरोध जताया है। 22 से बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चंपावत के दौरे पर कौशिक, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 22 से 24 मार्च तक 3 दिवसीय बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिले में प्रवास पर रहेंगे। तैयारी के लिए जिला समन्वयक तैनात किए गए हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी विभिन्न मांगे, तो राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सिंह रावत से मिलकर सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं प्रिंसिपलों के खाली पदों को प्रमोशन से भरने की मांग की है। कहा कि शिक्षकों की लंबित समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें वार्ता का समय दिया जाए। जो काम नहीं करेगा उससे दफ्तर में बाबूगिरी कराएंगे, तो सूबे की त्रिवेंद्र सरकार में अफसरशाही के हावी होने का जो मुद्दा उठता रहा है उस पर नई सरकार में एक्शन शुरू हो गया है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि ऐसे अफसर जो काम नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे, उनसे दफ्तरों में बाबूगिरी कराई जाएगी। 66% ने दी परीक्षा, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की आशु लिपिक और व्यक्तिगत सहायक परीक्षा बुधवार को 2 पालियों में आयोजित हुई। आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में टैबलेट पर हुई। परीक्षा में 8,230 उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किया गया। इनमें से 5,448 यानी 66% उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।
11 लाख लोगों का रक्षा कवच होगा मजबूत। तो प्रदेश सरकार 584 मलिन बस्तियों में निवास कर रही करीब 11 लाख की आबादी के रक्षा कवच को मजबूत करेगी। मलिन बस्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार दोबारा से अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। महिला युवक मंगल दल सदस्य और ग्राम प्रहरी बनेंगे आपदा प्रबंधन सिपाही। तो सरकार ने महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वन प्रहरियों को आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण देकर उन्हें आपदा प्रबंधन किट उपलब्ध कराने का फैसला किया है। फटी जींस के बयान पर गुस्सा। तो अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने भी की आलोचना। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का फटी जींस के फैशन को लेकर के दिया गया बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने जहां इस बयान के बहाने मुख्यमंत्री की आलोचना की है, वहीं सोशल मीडिया पर भी नाराजगी फूटी है। मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने भी मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की। उधर भाजपा के मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सादगी और संस्कार की बात कही है, लेकिन कांग्रेस इसे तोड़ मरोड़कर गलत ढंग से पेश कर रही है। कुंभ शाही स्नान पर हरिद्वार से देहरादून तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। तो शाही स्नान के दिन हाईवे पर 3 लेन पर होगी वाहनों की आवाजाही, 1 लेन रहेगी खाली। कुंभ से लौटकर लोगों को करानी होगी कोरोना जांच। तो दिल्ली से कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को वापस लौटने पर भी कोरोना संकट की जांच करानी होगी। कोटनी सेंड के देवेश ने बनाया था घटिया डामीकरण का वीडियो। तो कोटद्वार से खबर आई है, लेंस डाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुगड्डा धुमाकोट स्टेट हाईवे के 2 किलोमीटर की पेंट में वार्षिक अनुरक्षण के तहत चल रहे डामीकरण के कार्य की लापरवाही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भारी पड़ गई। डामीकरण की घटिया गुणवत्ता के कार्य का वायरल वीडियो रिखनी खाल के से राजधानी तक पहुँच गया। यह वीडियो कोटनी सेंड निवासी देवेश ने बनाया था। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की योजना पर जम गई धूल। तो बिल्डिंग बायलॉज नहीं होने से फिलहाल ऊंची इमारतें बनाना मुश्किल है। 4 दिन बाद खुले बैंक, दिन भर बैंकों में भीड़ लगी रही। इलेक्ट्रिक बस में मुफ्त यात्रा का दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई। तो रोडवेज के मंडलीय प्रबंधन संचालक ने आदेश जारी किए हैं। निजीकरण के विरोध में बीमा कंपनियों में नहीं हुआ काम। तो साधारण बीमा कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी ने हड़ताल की। LIC में आज नहीं होगा काम, कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सैन्यकर्मी बनकर ठगने वाले 2 आरोपी दबोचे गए हैं। ठेके दुकानदार में चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यह भारतीय वायु सेना में भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही अधिकतम जो एज है वो 21 वर्ष रखी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करें आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई 40 पदों पर, इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तो 9534 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल रखी गई है, वहीं 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के पदों पर साक्षात्कार, तो कुल 63 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 22 मार्च को साक्षात्कार के माध्यम से ही पद भरे जाएंगे। शताब्दी एक्सप्रेस में आग बुझाने वाले स्टेशन अधीक्षक को मिला पुरस्कार। 3862 छात्र परीक्षा पास कर विशेष बने विशेष शिक्षक। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान की ओर से देश भर में 110 शिक्षण संस्थान की आयोजित परीक्षा में प्रथम व द्वितीय वर्ष के 3862 विद्यार्थी सफलता प्राप्त कर विशेष शिक्षक बने हैं। घनसाली से खबर है, 2 पेटी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से 4 चरस तस्करों को 10 साल की कैद हुई है। तो विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शर्मा की अदालत ने नशीले पदार्थ की तस्करी के एक मामले में 4 अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई।
चिन्याली सेंट से खबर है, टेम्पो खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। वहीं नरेंद्र नगर टिहरी से खबर आई है, बाइक सुमो की भिड़ंत से एक घायल हो गया। आरक्षित सीटों पर प्रवेश शुरू करें तो शिक्षा विभाग की ओर से निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों ने स्कूल संचालक की शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत आरक्षित सीटों पर प्रवेश शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हेमंती नंदन बबड़ा के योगदान को किया याद, तो स्वर्गीय हेमंती नंदन बबड़ा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। खबर है उत्तरकाशी से, घराट में अब मसाले पीस सकेंगे। नाकुरी में IIT रुड़की के सहयोग से घराट का किया गया आधुनिकरण। वही खबर है, बड़कोट से महिलाओं ने पानी के लिए AE का दफ्तर घेरा। बड़कोट में एक माह से पानी के लिए लोग परेशान हैं। वही खबर यह है, यमकेश्वर से लोक संस्कृतियों से जुड़ी प्रस्तुतियों ने जमाया रंग, तो विभिन्न स्कूलों में NSS शिविर में सांस्कृतिक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टिहरी झील में 25 युवा लेंगे कायकिंग का प्रशिक्षण, तो साहसिक खेल अकादमी में 22 से ITBP के जवानों को करेंगे प्रशिक्षित। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए 19 करोड़ का करार, तो बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान योजना के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए केदारनाथ उत्थान चैरिटी ट्रस्ट व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य 19.3 करोड़ का समझौता हुआ है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो गन्ना राज्य मंत्री के सामने बकाया भुगतान करने की चुनौती। तो हरिद्वार जिले में तीनों शुगर मिलों पर किसानों का 500 करोड़ से अधिक का बकाया है। सड़कों की खराब स्थिति पर अफसरों को फटकार, तो मंडलायुक्त ने संतों से मुलाकात कर मेला कार्यों का निरीक्षण किया। भूमि आवंटन के लिए CM से मिले आचार्य महामंडलेश्वर, तो स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने रखी किन्नर संतों की समस्याएं। हरिद्वार से देहरादून तक बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, तो महाकुंभ में किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। दो शावकों के साथ दिखी मादा गुलदार, तो हरिद्वार से खबर है, गांव बहादुरपुर जट के खेतों में एक मादा गुलदार और उसके दो शावक नजर आए। गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। अतिक्रम हटाने के निर्देश दिए, तो हरिद्वार से खबर आई है, रोड़ी बेलवाला में डाम कोटी तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाने और पूरे क्षेत्र को खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगन ने कहा कि महाकुंभ के लिए रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। स्टेशनों को भव्य और आधुनिक बनाया गया है। राज्य सरकार यदि कहेगी तो कुंभ मेले में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो गोरा पड़ाव में युवक के ऊपर से गुजर गई ट्रेन, बच गई जान। तो गोरा पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय बाघ एक्सप्रेस को अचानक देख युवक हड़बड़ाहट में ट्रैक पर गिर गया। जब तक वह संभल पाता, तेज रफ्तार बाघ एक्सप्रेस उसके ऊपर से गुजर गई। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी और RPF ने ट्रेन के नीचे से युवक को बाहर निकाल HTS में भर्ती कराया। फिलहाल युवक को ICU में भर्ती किया गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बस, 13 लोग घायल हो गए। बेताल घाट के जंगलों में आग, तो गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही जंगलों में आग लगने से वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, तो हाल खबर है, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने 6 साल की बच्ची सी के साथ दुष्कर्म मामले में 29 साल के युवक को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल की कैद और 25,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी, तो हल्द्वानी से खबर आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंस सकती है गर्दन, तो बंदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है, हालांकि कोई भी इस बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है।
परीक्षा फल आने के बाद भी नहीं हो रहे दाखिले, तो MBPG कॉलेज में सुधार परीक्षा के में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का स्नातक द्वितीय वर्ष में दाखिला नहीं हो पा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कुमाऊं विश्वविद्यालय से रिजल्ट का डाटा जल्द उपलब्ध कराने को पत्र भेजा है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो वाहन चोर गिरोह से 9 बाइकें बरामद हुई हैं। मई तक पूरी करें छात्रवृत्ति घोटाले की जांच, तो SSP DM कुंवर सिंह ने बुधवार को SIT और समाज कल्याण विभाग के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने SI से मई तक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, तो सरगना समेत 2 गिरफ्तार, कुमाऊं की साइबर थाना टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। हाथी के दांत के साथ 4 धरे गए हैं, तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है कि छत से अवैध खनन में 2 JCP सील किए गए हैं। नानक माता से खबर, 2 पक्षों के 16 लोगों पर केस किया गया, तो एक ग्रामीण ने 7 लोगों पर बाइक छीनकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। बाजपुर से खबर है, स्कूल गई छात्रा घर नहीं लौटी, तो एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस चौकी बनाखेड़ी में बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी मंगलवार को गांव गजरोला स्थित GIC में पढ़ने गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर वापस नहीं लौटी।